आखिर कौन है बुआ बेवरेज कंपनी के रिकवरी एजेंट और गार्ड सुपरवाइजर जो चोर के खिलाफ आवाज़ उठाने में असमर्थ है। खबर हरिद्वार से, जहां आपको बताते चले कि 72 घंटे पहले बुआ बेवरेज कंपनी में दो चोर ने दिया था दस्तक। वहीं कुछ समय बाद चोरों को चोरी कर देखने के बाद गार्ड ने दिया था पुलिस को सूचना। सूचना मिलते ही पुलिस ने बुआ बेवरेज कंपनी में रंगे हाथ एक चोर को किया गिरफ्तार। लेकिन वहीं बुआ बेवरेज कंपनी के नहीं रिकवरी एजेंट ना ही गार्ड सुपरवाइजर द्वारा चोर के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दिया गया। ये देखिए सिलेंडर, पीछे भी मोटर तोड़ता है बड़ा वाला मोटर। ये तो भागा थोड़ी है, कंपनी का चोर बन रहे थे। हाँ, बहुत चोर पकड़े था। कौन से क्षेत्र में कंपनी है? अरे आशी में ड्यूटी लगी थी, चोर थे यहाँ से, चोर पुलिस पकड़ कर ले गई। और क्या चोर ने घुस जाते और ये रखाना हमारा काम, तुरंत ही हमारा ऑब्जेक्शन हो गया। तो चोर पकड़े किस लिए? आपको सूचना कैसे मिली? सूचना मिली हमने, इन्होंने बताई गार्ड ने फोन करा कि ऐसे ऐसे बात है जी। सर इससे पहले भी चोरी हो चुका है इस कंपनी में? नहीं पहले नहीं हुआ, इससे पहले भी चोरी हुआ था, जैसे कि पुलिस के जरिए छोटा हाथी पकड़ा गया था रात को मिनिमम 2 बजे के समथिंग। नहीं यहाँ कोई चोरी नहीं हुई पहले। अच्छा ये कौन सी कंपनी है, कौन सी बैंक ने सील कर रखा है कंपनी को? ये सेंट्रल बैंक ने कर रखा है। इसके ब्रांच कहाँ है? इसके ब्रांच में है देहरादून। अच्छा आपका इसमें सिक्योरिटी है? हाँ सिक्योरिटी है हमारा। अच्छा तो सिक्योरिटी द्वारा आपको सूचना दिया गया था? सूचना दी गई कि ऐसे ऐसे बात है, तो मुझे शक है कि कोई पीछे आदमी घुसे। तो मिनिमम कितने का चोरी हुआ होगा, कितने सामान चोरी हुआ? अभी चोरी तो गणना की जाएगी ना, देखना पड़ेगा कि क्या क्या गया है क्या क्या नहीं गया है। वो तो शायद घुसे ही है, शायद जो भी तार तार तोड़े हैं तभी इन्होंने सूचना दे दी। अच्छा कोई चोर पकड़े भी गया? हाँ चोर पकड़ा गया है और उसे पुलिस आगे ले गई, हमारे तो आदमी तुरंत पहुंच गए ना जैसे ही इन्होंने सूचना दी। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से वेद प्रकाश की रिपोर्ट।